अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स फ्राई और इसे हम बनाएंगे स्क्यूअर में, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम्स प्रॉन्स और इसे मैंने अच्छे से धोकर इसे क्लीन कर लिया है और इसके अंदर से जो वेन होता है वो दोनों साइड से मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से यहाँ से भी निकालना है और इस तरफ से भी निकालना है। तो मैंने अच्छे से निकाल कर इसे विनीगर में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। विनीगर में वॉश करने से इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है और प्रॉन्स में वो स्मेल नहीं रहता है। तो चलिए इसे मसाला हम लगा देंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। 1/2 टीस्पून जितना ही मैंने लिया है यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, 1/2 लेमन, लेमन से ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट होने रख देंगे 1/2 आवर के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसे 1/2 आवर ही रखूँगी। तो इसे मैं एक स्क्यूअर में इस तरह से लगा लूँगी और जो स्क्यूअर है उसे मैंने पानी में भीगने रखा था ताकि जब हम प्रॉन्स को निकालें तो इसमें स्टिक ना हो। तो इस तरह से हम स्क्यूअर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम स्टार्टर में इस तरह से सर्व करेंगे तो ये खाते वक्त भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये फ्राई भी ईजीली हो जाता है। और इसी तरह से हम सारे प्रॉन्स को स्क्यूअर में लगा लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो इसी तरह से स्क्यूअर में ही आप इसे फ्रीज कर सकते हैं और इसे बनाने में भी आपको इजी होगा। तो इस तरह से आप बना कर इसे फ्रीज कर सकते हैं और इजीली फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। अभी हम पैन में तेल ले लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। तो एक एक स्क्यूअर आप तेल में रखते जाइए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हमारा प्रॉन्स बहुत ही इजीली फ्राई हो जाता है। तो आप इस तरह से स्क्यूअर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और थोड़ा सा करी लीव्स ऐड कर दीजिएगा प्रॉन्स में, या करी लीव्स का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे इजीली भी पलट सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे एक दिन पहले ही मैरिनेट करके इसी तरह से आप फ्रिज में रख देंगे तो दूसरा दिन आपको इजीली आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। प्रॉन्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। और दूसरे प्रॉन्स को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये प्रॉन्स फ्राई कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे।
आज का प्रॉन्स का रेसिपी आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये दूसरा प्रॉन्स भी हमारा बनके तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से जो मेरी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।